ख्वातीनो हज़रात, तहजीबी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अब वक्त है अगले शायर को बुलवाने का। मेरा इशारा है कुरुक्षेत्र से ही हमारे दरमियाँ हाजिर मकबूल शायर सूबे सुजान जी से, जो डॉक्टर तफ्ता जारी जी के ही शागिर्द हैं। और ये शेर मैं नज़र करती हूँ। परेशान है वो झूठा इश्क करके, परेशान है वो झूठा इश्क करके, वफा करने की नौबत आ गई है। इस्तकबाल कीजिए सूबे सुजान जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम उस्ताद मोहतरम एसपी शर्मा तफ्ता जारी के नाम, आज हम उनको याद कर रहे हैं। गुरुजी से मैं 2001 में मिला, थोड़ी सी यादें रखना चाहूँगा बीच में। आपने लाइव कर रखा ना, मुझे दे दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो शायरी सीखने का जो बचपन से लिखने का शौक़ था कविताएं, परंतु जब गज़ल की तरफ रुख आया 11वीं 12वीं में पढ़ते समय, तो गज़ल के बारे में नहीं मालूम था। महफिल में अदबी संगम की आने लगा तो उसके बाद पता चला, कहीं जगह सीखने के लिए बात रखी लेकिन सीख नहीं पाए। तो बाद में कुछ बाहर घूमने के बाद, कैथल, जगाधरी, यमुनगर घूमने के बाद फिर कुरुक्षेत्र में आना पड़ा और तफ्ता जी का शाया मुझे मिला। 2001 से मैं उनके शागिर्दी में रहा, उनसे सीखने की कोशिश की, जितना सीख पाए। वो हर एक आदमी का अपना लहजा, अपना अपनी बुद्धि, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन शायरी तो सीखने तो सीख तो सकते हैं, लेकिन उसको जो आपका लहजा निकलेगा, जो शेर निकलेगा, वो तो आपके जहन से, आपकी बुद्धि से, आपके मिजाज से निकलेगा। आप जो देखते हैं दुनिया में, जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो आप करैक्टर देखते हैं, उनसे निकलेगा। तो खैर, मैं उनको याद करते हुए देखिए कुछ शेर मैं तफ्ता साहब के ही बीच में रखना चाहूँगा कि मेरे अंदर भी शरर था तफ्ता, मेरे अंदर भी शरर था तफ्ता, उफ मगर अब खाक हो गया हूँ। ये शेर आज के लिए मैं रख रहा हूँ कि मेरे अंदर भी शरर था तफ्ता, उफ मगर अब मैं खाक हो गया हूँ। तो प्रोफेसर तफ्ता जी इसी विश्वविद्यालय में रहे, डीन रहे, और अमेरिका में एमरी यूनिवर्सिटी में अटलांटा में भी वो 3 साल वहाँ पर पढ़ा कर और आए हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया गुजार मैं करूँगा इनमें। इस बीच मैं याद कर रहा था दीपक राय बब्बर जी को, वो अभी नहीं पहुँच पाए, उन्होंने वादा किया था कि पहुँचेंगे। तो आजकल उनके डिपार्टमेंट में हैं दीपक राय जी, वो भी बड़े उनके अच्छे प्यार करते थे, मिलते रहते थे। तो उनके बारे में थोड़ी सी बातें अगर मैं रखूं, तो जो किताबें थी उनकी, संजीव साहब ने भी बताया भी था, नकुसे ना तमाम, हिना की तहरीर, एहसास, दर्द का रिश्ता। इसके अलावा उन्होंने जो शोध करवाए यूनिवर्सिटी में, 180 के से ज़्यादा उनके शोध प्रकाशित हुए, और 14 बच्चों को उन्होंने पीएचडी करवाई है। इसके साथ साथ उनकी एक दो बुक्स ऐसी हैं कि उनकी बुक्स ऐसी है जो अप्रकाशित है, अभी पढ़ी थी, उन्होंने मुझे भी उसकी कॉपी दी थी एक, वो एक इंग्लिश में उन्होंने स्पेशल लिखी थी, विज्ञान की बुक्स है, वो प्रकाशित नहीं हो पाई है, वो लिखी पड़ी है ऐसे ही। उसके अलावा शायरी में तो बहुत कुछ लिखा पड़ा है जो नहीं प्रकाशित हो पाया। दीदी बैठी है हमारे सामने, संगीता जी और पूनम जी, तो इन्होंने पिछले दिनों मुझे कहा भी था कि उसको प्रकाशित करवाने में मदद करें। तो संजीव जी से पहले भी इस बारे में बात होती, 3-4 साल पहले जब तफ्ता जी थे। खैर, उनका जन्म 4 नवंबर 1933 में हुआ था और 15 दिसंबर 2019 को वो दुनिया से विदा हो गए। तफ्ता जी से सीखने को बहुत कुछ मिला। संजीव जी तो 2011 में मेरे ख्याल से, 2011 में मेरे माध्यम से ही मिले थे उनसे, मुझे 2001 से उनका सानिध्य मिला। इस प्रकार सीखने का क्रम सबका अपना अपना होता है। उनकी सेवा करने का मुझे अच्छा अवसर मिला, मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि मैंने उनको जब भी, अक्सर मैं महीने में 4-5 बार उनके पास ज़रूर आता था, और बाज़ार में जाने का भी कई बार उनको लेकर जाना, गोष्ठी में, आदमी महफिल में लेके आना उनको, ये मुझे बड़ा सौभाग्य मेरा रहा। तो इतनी ज़्यादा बातें ना करते तो उनके कुछ शेर मैं बोलना चाहूँगा। एक उनका देखिए कि जिंदगी से ब्रह्मी अच्छी नहीं,
बात हरदम मौत की अच्छी नहीं, जिंदगी से ब्रह्मी अच्छी नहीं, बात हरदम मौत की अच्छी नहीं, रास आ जाए तो दिलकश है बहुत, वरना तफ्ता जिंदगी अच्छी नहीं। देखिए उनकी शायरी में मतलब एक से एक शेर हैं कि रास आ जाए तो दिलकश है बहुत, वरना तफ्ता जिंदगी अच्छी नहीं, और हस्ती को मिटाया है तो शेर कहे हैं, हस्ती को मिटाया है तो शेर कहे हैं, अपने को गंवाया है तो शेर कहे हैं। क्या पूछते हो कैसे कहें शेर ये हमने, क्या पूछते हो कैसे कहे शेर ये हमने, खातिर को जलाया है तो शेर कहे हैं। मेहमान नवाजी मेहरबानियों को खातिर को जलाया है तो शेर कहे हैं। और देखिए एक मन मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी गज़ल, बहुत लंबी गज़ल है उनकी, गज़लें उनकी बहुत लंबी होती थी। वक्फे अंजाम हुई जाती है, हर सहर शाम हुई जाती है, वक्फे अंजाम हुई जाती है, हर सहर शाम हुई जाती है, घर के आलाम हुई जाती है, जीस्त गुमनाम हुई जाती है, जीस्त गुमनाम हुई जाती है, अब तो ए दोस्त तड़प भी दिल की, अब तो ए दोस्त तड़प भी दिल की, वजह आराम हुई जाती है, अब तो ए दोस्त तड़प भी दिल की, वजह आराम हुई जाती है, मेरी आहों के धुएँ से तफ्ता, मेरी आहों के धुएँ से तफ्ता, सुबह भी शाम हुई जाती है, मेरी आहों के धुएँ से तफ्ता, सुबह भी शाम हुई जाती है। और एक उनकी देखो हिंदी कभी कहीं कहीं प्रयोग किया उन्होंने बड़ा अच्छा, कि पुण्य का अवसान होता जा रहा है, पुण्य का अवसान होता जा रहा है, पाप ही बलवान होता जा रहा है, पाप ही बलवान होता जा रहा है, बेखबर इंसान होता जा रहा है, हर किसी को दावा ए तकलीफ, नहीं खुद से भी अनजान होता जा रहा है, बेखबर इंसान होता जा रहा है, और हर किसी को दावा ए तकमील है, अब हर कोई भगवान होता जा रहा है, तफ्ता आखिर कब सुनूंगा ये खबर मैं, आदमी इंसान होता जा रहा है, तफ्ता आखिर कब सुनूंगा ये खबर मैं, आदमी इंसान होता जा रहा है। तो उनकी शायरी में बहुत माहिया लिखते थे वो बहुत अच्छे, मुझे उनके माहिया बहुत पसंद थे, दो माहिया मैं पेश करना चाहूँगा। क्या खाक टिकाऊ है करता है खुशामद जो, क्या खाक टिकाऊ है करता है खुशामद जो, वो शख्स बिकाऊ है, वो शख्स बिकाऊ है। और देखिए जीने का यही है फन, टूट के रह जाओ या लाओ लचीलापन, जीने का यही है फन, टूट के रह जाओ या लाओ लचीलापन। तो उनकी शायरी लाजवाब है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो इतनी ज़्यादा मतलब कि हम सुन नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, महफिलों में नहीं आ पाए, वो महफिलों में बहुत कम आते थे। अदबी संगम कुरुक्षेत्र एक बहुत पुरानी संस्था, यहाँ लगभग 47-48 साल पुरानी संस्था है, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है अभी भी, तो उसमें वो मेंबर रहे हमारे, लेकिन वो बहुत कम महफिलों में आते थे। खैर मैं अपनी एक गज़ल आपके बीच में पेश करूँगा, दो शेर और एक गज़ल। संजीव जी कह लो कुछ, कि सितारों से सितारों की सितारे बात करते हैं, शेर देखिए रक्षक, कि सितारों से सितारों की सितारे बात करते हैं, न मतलब गैर से अपनों की सारे बात करते हैं, न मतलब गैर से अपनों की सारे बात करते हैं। शेर देखिए कि बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर, बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर, नदी सूखी किनारों से किनारे बात करते हैं, कि बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर, नदी सूखी किनारों से किनारे बात करते हैं। और एक गज़ल छोटी बहर की छोटी सी गज़ल, कि ज़िंदगी अब मुझे रिहाई दे, देख ज़्यादा ना तू सफाई दे, कि ज़िंदगी अब मुझे रिहाई दे, देख ज़्यादा ना तू सफाई दे,
तुझसे कोई गिला नहीं करता, मेरे मरने की भी बधाई दे। कि तुझसे कोई गिला नहीं करता, मेरे मरने की भी बधाई दे। और मैं ना समझा उसूल दुनिया के, इसलिए तू मुझे बुराई दे। मैं ना समझा उसूल दुनिया के, इसलिए तू मुझे बुराई दे। रोज सपना भी ऐसा आता है, कोई मरता हुआ दिखाई दे। रोज सपना भी ऐसा आता है, कोई मरता हुआ दिखाई दे। मैं नहीं ठीक होने वाला हूँ, मैं नहीं ठीक होने वाला हूँ, तू मुझे कोई भी दवाई दे। मैं नहीं ठीक होने वाला हूँ, तू मुझे कोई भी दवाई दे। तू मुझे कोई भी दवाई दे। और प्यार बाकी रहे हमारे बीच, इस तरह तू मुझे विदाई दे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कि प्यार बाकी रहे हमारे बीच, इस तरह तू मुझे विदाई दे। और गीत मेरा लिखा है माना मगर, गीत मेरा लिखा है माना मगर, तेरे होठों से भी सुनाई दे। शुक्रिया। कि गीत मेरा लिखा है माना मगर, तेरे होठों से भी सुनाई दे। और जिसने तेरा भला किया है सुजान, जिसने तेरा भला किया है सुजान, कम से कम उसको तो भलाई दे। कम से कम उसको तो भलाई दे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आप सभी का धन्यवाद।